अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत होंगे, मजे में होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो भाई ट्रेन कुछ ऐसा है क्या ना, हमारी गाड़ी का पूरा शीशा टूट गया है। और कैसे टूटा, ऊपर से किसी ने गमला गिरा दिया। हम लोग रात को सो रहे थे, 2 बजे किसी ने ना गमला गिरा दिया, डायरेक्ट धमाका हुआ। देखते हैं अभी कैसे टूटा। हाँ यार, सीन कुछ ऐसा है, अली भाई ने आप लोगों को बताया कि यार ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये तरपाल हटा देते हैं यहाँ से, और ये यहाँ पे गमला, ये देखें पूरा गमला मट्टी समेत, और ये पत्थर उसके अंदर मौजूद थे, किसी ने फेंका। रात को 2 बजे हम लोग सोए हुए थे, तो जिस तरह धमाके की आवाज़ होती है ना, उस तरह आवाज़ आई और हमारी गाड़ी का शीशा टूट गया। और यार बहुत दुख हो रहा है हम लोगों को। अभी देखते हैं क्या सीन है, तरपाल उतारते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं हम लोग। हमने भी यार देखें ये गमले लगाए हुए, लेकिन हम लोगों ने बहुत एहतियात से लगाए हुए। हमने ऊपर दीवार पे भी नहीं लगाए हुए। तो ये पता नहीं यार किसी ने, मतलब अगर यार लोग जलते हैं क्या चक्कर है, किसी ने जानबूझ के फेंका है या क्या सीन है। गमले अभी फिलहाल हम लोग उतार रहे हैं तरपाल और आप लोगों को दिखाते हैं कि गाड़ी का मतलब कचूमड़ बन चुका है यार। एक तो शीशा बंदा टूटे ना, तो बंदा चलो लगवा लेता है शीशा, अंदर से भी बहुत ज़्यादा गाड़ी डैमेज हो चुकी है। और ये आप लोगों को दिखाते हैं, वो है पूरी यार, वाइपर्स भी टूट चुके हैं। और चादर पे तो भाई आपके सामने ही है, हम लोग आपको दिखा रहे हैं। अभी उतारते हैं पूरी तरपाल और अंदर से भी आप लोगों को दिखाते हैं। फुल डैमेज हो चुकी है यार गाड़ी। तो भाई ये बाहर से तो हम लोगों ने आपको दिखा दिया, अभी गाड़ी खोल रहे हैं और दिखाते हैं अंदर क्या सीन है। नहीं अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना भाई, कांच है पूरा। ये देखें यार आपको दिखा देते हैं अंदर से, पूरा डैशबोर्ड भी यार बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया गाड़ी का। और क्या हो यार, क्या करें, मतलब आप बताएं, आप लोग खुद बताएं यार। हम लोगों ने किसी का कुछ बिगाड़ा या किसी के साथ कुछ किया है यार, तो कोई वजह होगी ना यार, मतलब जिसने भी मारा होगा कोई ना कोई तो वजह होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको मैं उठा के दिखाता हूँ, मतलब कि शक तो जा रहा है यार हमारा कि किसने तोड़ा। लेकिन यार देखें, हमने मतलब कि छोड़ दिया, माफ़ कर दिया, मतलब अल्लाह की अदालत पे छोड़ दिया। अल्लाह बहुत बड़ा है, वो हिसाब लेगा खुद। लेकिन ये देखें किस तरीके से, किसी ने फेंका है भाई। देखो अली भाई भी बोल रहे हैं किसी ने फेंका, और ये किसी की साजिश हो सकती है। मतलब यार इस तरह नहीं करना चाहिए आप लोगों को, पूरा इतना ज़्यादा नुकसान हो गया यार हमारा। किधर भाई, क्या बोलना चाहोगे, रात को सोए हुए थे, क्या सीन हुआ था? हाँ भाई बिल्कुल, हमने जो अपना फैसला है वो अल्लाह ताला पे छोड़ दिया यार, सबसे बड़ी अल्लाह की अदालत है। हमने किसी को कुछ नहीं बोला, मतलब ये होता है ना कि अगर ये मैं 100% बोलता हूँ, गली में हमारी गाड़ी के अलावा किसी की गाड़ी का अगर शीशा टूटा होता तो गली में तूफान आ जाता। ये देखें यार बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है हमारा, तो बस क्या बोल सकते हैं यार। खैर जलने वाले जलते रहें, लेकिन इस तरह मत करें यार, इतना भी मत जलें। अगर आप जल भी रहे हो तो मतलब सामने वाले को बोल दो, अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो आप जाके बोलो हाँ यार ये हमें ये मसला है, आप यहाँ गाड़ी गली में ना खड़ी करो, या एक्स वाई जेड कुछ भी आप बोल सकते हो। लेकिन यार इस तरह तो नहीं कर सकते ना। अगर देखें 3-4 सिचुएशंस हैं, यहाँ से कोई बाइक पर आता है, बाइक पर आके गमला मारता है, तो मतलब इतनी ज़्यादा धमाके की आवाज़ नहीं आएगी। ये गमला ऊपर से ही आया और हमारी छत पर भी गमले हैं, मतलब किस तरह हो सकता है यार। ये बस अल्फाज नहीं है हमारे पास, अल्फाज ख़त्म हो गए। तो खिजर भाई बस दिखा दिया हमने, अब आप कवर कर दें। और तो भाई गाड़ी तो आप लोगों को दिखा दी कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। तो अब अली भाई, भाई यार अनस भाई ने आपको सारी गाड़ी का वीडियो करवा दिया, और अभी पत्थर वगैरह का हाँ जाओ जाओ जल्दी से पत्थर हटाओ वहाँ से, आराम से देख के, हाँ कांच नहीं लग जाए।
इधर तुम अब्दुल्ला हटवा, इधर साइड में रखते जाओ। तरपाल उतारनी है किधर, झाड़नी है तरपाल, तरपाल भी झाड़ लेते हैं। उधर से पीछे से पकड़ो ना यार, बिल्कुल बुरी तरह से गमला गिरा है, बुरी तरह से। पीछे से झाड़ ले, तो भाई अभी आपको पूरा साफ साफ शीशा दिख जाएगा। अभी ये जो है पूरी तरपाल पे मट्टी चढ़ेगी, तो हाँ भाई फटाफट से हम लोग फटाफट से मट्टी झाड़ लेते हैं तरपाल की और दिखा देते हैं कि यार फुल सीन क्या हुआ है। ओए 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 भाई, देखो शीशा कैसे बुरी तरीके से टूटा है। फटाफट से झाड़ लेते हैं, ये देखें भाई वाइपर भी बिल्कुल एक्सपायर हो चुके हैं। हाँ पिक्चर भी ले लेते हैं। तो भाई पूरा हाल आपको गाड़ी का दिखा दिया हम लोगों ने और अभी ये तरपाल वगैरह झाड़ लिए और ये दोबारा तरपाल से ढकने लगे गाड़ी को, क्योंकि यार बारिशों का मौसम चल रहा है। देखें अभी भी बारिश वाला मौसम हुआ है, तो कल या परसों अभी यहाँ पे ही हम लोग बुलवाएंगे और शीशा आके यहाँ पे चेंज कर देंगे। और गाड़ी के अंदर से भी बहुत नुकसान हुआ है, तो डस लग गई है, डस तकरीबन क्या बताएं कितने की लगी है, बस लग गई है, अच्छी खासी लगी है। और इसके ऊपर वो वाली तरपाल भी रख देना ताकि बारिश का पानी अंदर नहीं जाए। बस क्या बोल सकते हैं यार, चलो ठीक है भाई। अब आप लोगों को दिखा दिया कि कितना ज्यादा नुकसान हो चुका है, बस यार छोड़ो, अल्लाह की रजा थी, जो भी था नुकसान तो अल्लाह की तरफ होता है, अल्लाह ताला की तरफ से होता है। खैर जो हो गया सो हो गया। तो यार इतना दुख हो रहा है हमारी गाड़ी का, किसी ने गमला फेंक के शीशा तोड़ दिया, क्या बताऊँ यार, मेरा व्लॉग बनाने का मूड ही नहीं था। तो भाई मैंने आपको ये चीज़ दिखानी थी कि लोग हम लोगों से इतना जलते क्यों है भाई। तो भाई छोड़ो इस बात को, ख़त्म करते हैं, तो इसी लोग को मैं पर करने लगा एंड उम्मीद करता हूँ आज का आपको मेरे लोग पसंद आया होगा, तो इसलिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज़।